छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं हूँ रश्मि गौरी। खबर की शुरुआत है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी मां बिंदेश्वरी देवी को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल का रविवार की शाम को निधन हो गया था। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री की मां के पार्थिव शरीर को भिलाई 3 स्थित घर पर सुबह 7 बजे से अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में राजनेता और गणमान्य लोग पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माता बिंदेश्वरी बघेल की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पीएल पुनिया भी दिल्ली से पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूं। पुनिया ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री बघेल की मां के निधन का दुखद समाचार मिला। मैं बाराबंकी में था, आज सुबह दिल्ली पहुंचकर यहां आया हूं। बार आया, दोनों बार उनको देखने आया था और अब की बार तो ये लग रहा था कि शायद जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ करके घर जाएंगे, और लेकिन जो ईश्वर को मंजूर होता है वही है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और भूपेश बघेल जी और पूरे परिवार को जो अपूर्णीय क्षति है उसको सहन करने की शक्ति भी ईश्वर प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भूपेश बघेल की मां के अंतिम यात्रा में पहुंचे। उन्होंने कहा है कि किसी भी बेटे के लिए मां का साया सर से उठना बहुत ही दुखद है और इस दुख की घड़ी में हम सब बघेल परिवार के साथ हैं। मां का साथ छोड़ जाना परिवार के लिए सबसे कठिन वक्त होता है। मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। जी के माता जी के स्वर्गवास होने पर अपनी श्रद्धांजलि और अपने संवेदना पूरे परिवार के प्रति प्रदर्शित करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से माता का जाना किसी परिवार के लिए, परिवार वालों के लिए और खासतौर से भूपेश जी को बहुत बड़ा, इससे निश्चित रूप से पूरे परिवार को दुख पहुँचा है। हम सबकी संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि माता जी को स्वर्ग में अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कष्ट को सहने की क्षमता और शक्ति प्रदान। अनवर इंडिया चिटफंड घोटाले में भाजपा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सरगुजा जिले के धौरपुर थाने में भी पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के अलावा राजनांदगांव के मेयर मधुसूदन यादव, पूर्व मेयर नरेश डाकलिया सहित 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अदालत के आदेश पर इसके पहले भी उक्त सभी लोगों के खिलाफ सरगुजा जिले के कोतवाली, अंबिकापुर थाने के अलावा लुंडा और दरीबा थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। अभी तक सरगुजा जिले में उक्त आरोपियों के खिलाफ कुल 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्वास्थ्य संवाददाता शैलेंद्र पाठक से। शैलेंद्र, अभिषेक के साथ अन्य 4 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है, क्या लगता है कितनी और मुश्किलें अभिषेक सिंह की यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही हैं? चीट फंड कंपनी का मामला जो है वो अभिषेक सिंह के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस मामले में जो हाईकोर्ट और निचली अदालतों ने जो FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं वो है, हाईकोर्ट से भी इस मामले में जो है कार्रवाई नहीं होने के कारण कई जगह और FIR में जो आदेश हुए हैं उस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण जो निवेशक हैं, जो पीड़ित हैं, उन लोगों ने पिटीशन फाइल की है और इस जो FIR दर्ज के खिलाफ अभिषेक सिंह ने उनको निरस्त करने के लिए उसको सुनने के जो FIR है उसको चुनौती दी है। तो ये मामले की सुनवाई आज इसमें हाईकोर्ट में भी थी, इसमें पूर्व में ये मामला 5 तारीख को लगा था लेकिन जो हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की थी इसमें और शासन से जवाब मांगा था इसमें, उसके बाद आज ये 8 तारीख को जो 40 और 39 और पिटीशन लगी थी इसी मामले में,
कि इसमें जो मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं जो विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुकमा से लेकर के दंतेवाड़ा से लेकर के दुर्ग से लेकर के तमाम प्रदेश भर में ऐसे कई जगह जहाँ पुलिस मामला दर्ज नहीं, इसको लेकर के जो एक पिटीशन लगी उसकी सारी 39 से ज्यादा पिटीशन थी इसमें सुनवाई हुई है और मामला जो है 22 तारीख के लिए पढ़ लिया है। क्योंकि आज महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माँ का देहावसान हो गया था तो वो मौजूद नहीं हो पाए, कोर्ट में उपस्थित नहीं, जिसकी वजह से शासन की ओर से जवाब देने के लिए समय ले लिया गया। तो मामले की सुनवाई 22 तारीख की होगी और अभी जो साफ तौर पर ये सुनवाई बढ़ी है इसका मतलब साफ है अभिषेक सिंह जो राहत की उम्मीद कर रहे थे, जो एफआईआर को निरस्त करने की मांग कर रहे थे और वो दूसरे से कहीं कहीं जो उनकी मांग थी हाईकोर्ट से अपनी पिटीशन में जो मांग की थी उन्होंने कि इसको निरस्त किया जाए, तो वो राहत कम से कम उनको अभी नहीं मिली, मुश्किल अभी बरकरार है। 22 तारीख को भी सारे मामले के जो सुनवाई है और उसके बाद ही जो है कुछ साफ हो पाएगा क्या होता है किस तरीके, क्योंकि अभी इस मामले में केस डायरी भी आना बाकी है जो लास्ट टाइम 5 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सारी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हिंदी साहित्य परिषद जिला इकाई ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ हल्वी गौंडी जैसी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देने की मांग के साथ कोंडागांव में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद के संरक्षक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, टीएस ठाकुर, हरेंद्र यादव, सुरेंद्र रावल, ब्रजेश तिवारी, महेश पांडे, मधु तिवारी, अखिलेश त्रिपाठी, डॉक्टर किरण नुरेकी, मनोहर सिंह सग्गू, शिप्रा त्रिपाठी सहित सभी वक्ताओं ने हल्बी, डोडली और गोंडी की छत्तीसगढ़ की राजभाषा घोषित करने की अपनी बात रखी है। तो यहाँ हल्बी में शोध कार्य के लिए डॉक्टर किरण नुरेकी को सम्मानित भी किया गया। कांकेर जिले के अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर जैताल नदी पर पुल निर्माण की मांग विगत 70 वर्षों से की जा रही है। ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। जैताल नदी पर पुल निर्माण नहीं होने से बरसात में 5 से 6 गांवों का संपर्क टूट जाता है। बच्चों को अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बताया है कि हम बच्चे थे तब माता पिता से सुना करते थे कि पुल का निर्माण होना है, लेकिन हम तो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन आज तक पुल नहीं बना। चुनाव आते ही जनप्रतिनिधियों का आना जाना शुरू हो जाता है, वोट मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम पुल निर्माण का होगा। इस दौरान सरकारें बदलती रही लेकिन हमारे गांव की समस्या जस की तस बनी रही। आश्वासन तो बहुत मिले लेकिन पुल निर्माण का कार्य शुरू आज तक नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि दैनिक उपयोगी सामान के लिए बरसात में मोहताज होना पड़ता है क्योंकि अंतर्गढ़ मुख्यालय पहुंचना मुश्किलों के साथ जोखिम भरा होता है। अंतर्गढ़ ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूटने से सरकार की पीडीएस योजना के चावल से भी महरूम होना पड़ता है। बरसात में नदी अपने चरम पर बहती है लेकिन कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसके लिए दवाओं से ज्यादा दुआओं का सहारा लेना पड़ता है। नदी को जाने में बहुत परेशानी होती है और कम बाढ़ आने से हम लोग पार कर सकते हैं पर ज्यादा बाढ़ आने से पार करने में बहुत मुश्किल होती है। पहले जो सांसद जी थे उनको भी अपने तरफ से अवगत कराया था, आवेदन दिया था, उसके बाद जो वर्तमान में विधायक है उनको भी पता है, वो भी खुद आए हैं, देखे हैं पुल यहाँ बना नहीं है, बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ। क्या बोले वो? बस आश्वासन तो दिए हैं, अभी देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन उम्मीद है करेंगे अभी। अभी बड़ा पुल बड़ा है पुल, उसके लिए अब शासन स्तर से कार्रवाई चल रही है, अगर सुदृढ़ हो जाता है तो पुल का कार्य पुल बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। रायगढ़ अंतर्गत ग्राम महलोई में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन साल 2011 में कर दिया गया था लेकिन 9 साल बाद भी जिला शिक्षा विभाग यहां के छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक की व्यवस्था कराने में नाकाम रहा। हालांकि शिक्षकों की व्यवस्था की मांग को लेकर पहले भी कई मरतबा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। बावजूद इसके जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते स्कूल में शिक्षकों की कमी की समस्या निरंतर बनी हुई है और इसी के चलते स्कूली विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। साथ ही शीघ्र व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में छात्रों और अभिभावकों के द्वारा स्कूल बंद किए जाने की बात भी कही है।
ग्राम वाले के हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, उनका कहना है कि 8 साल पहले हाई स्कूल का मूल्यांकन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ है, लेकिन अभी तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, केवल एक पद शिक्षित है। हमारे स्कूल में बहुत कमी है, इस कारण ऐसा करना पड़ता है। कितने वर्षों से शिक्षकों का अभाव है? 2011 रायगढ़ अंतर्गत ग्राम महलोई में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन साल 2011 में तो कर दिया गया, लेकिन 9 साल बीत गए और जिला शिक्षा विभाग यहां पे एक शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर पाया। हालांकि शिक्षकों की व्यवस्था की मांग पहले भी कई बार की गई, लेकिन बावजूद 9 साल से यहां पर कोई शिक्षक है ही नहीं। बच्चे भगवान भरोसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, समस्या जस की तस बनी हुई है। भूपेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ स्वास्थ्य संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, 9 साल हो गए लेकिन शिक्षक की व्यवस्था करने में जिला प्रशासन नाकाम, इस नाकामी का पूरा ठीकरा किसको, सरकार के सर फोड़ा जाए या फिर पूरी तरह से जिला प्रशासन के सर फोड़ा जाए? इसमें देखा जाए तो जिला प्रशासन की ही पूरी गलती लगती है, क्योंकि कोई भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो कभी भी यही नहीं बोलता कि किसी बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाए। यहाँ के शिक्षा अधिकारी मनमानी से अपनी बात नहीं आ रहे, ऐसे कई मामले हैं जिसमें देखा गया है कि ध्यान ही नहीं दिया जाता। उन्होंने 6-7 बार जिला प्रशासन को, तहसील में, सब जगह जाके अपना ज्ञापन दिया और बोला, इसके पूर्व कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक उनकी ध्यान नहीं। वजह क्या बताई जाती है, क्योंकि जिला प्रशासन को तो अपना पैसा खर्च करना नहीं है, इन तमाम चीजों के लिए एक मद का प्रावधान किया जाता है जो सरकार अपने बजट में कर देती है, तो यहाँ पे जिला प्रशासन को शिक्षक की व्यवस्था, चलो नहीं कर पा रहे हैं आप परमानेंट शिक्षक की व्यवस्था, तो वैकल्पिक तो की जा सकती थी, वो भी नहीं की, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जिला उद्योग की तरफ से हर स्कूलों में एक एक शिक्षक देते ही हैं जनरली, लेकिन उस पर भी इन्होंने पिछले कई साल से उद्योगों के द्वारा हमारे उद्योग नहीं चल रहे हैं करके उनके शिक्षक देना भी बंद कर दिए, जिससे और यहाँ की स्थिति दयनीय हो गई है। अधिकतर उसका खामियाजा किसी और को नहीं, देश का जो भविष्य है, जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो आज बच्चे हैं कल जो देश का भविष्य बनेंगे, वो भुगत रहे हैं और कोई नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में बीएससी और बायोलॉजी के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। छात्र छात्राओं का आरोप है कि बायोलॉजी के सभी बच्चों ने फाइनल ईयर की परीक्षा दी थी, लेकिन इस स्थिति बच्चों को केमिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन स्किल में फेल कर दिया गया। कॉलेज के बच्चों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर दोबारा से कॉपियां चेक कराने की मांग की है। हाल ही में हम लोग का रिजल्ट आया, तो जब रिजल्ट आया और उसके बाद वेबसाइट पे कुछ देर बाद वो रिजल्ट को हटा दिया गया और ये कहा गया कि अभी ये रिजल्ट मान्य नहीं है, लेकिन उसके जस्ट अगले दिन शाम को फिर रिजल्ट आया और वो रिजल्ट में केमिस्ट्री में जो बोनस अंक मिलने थे वो नंबर जोड़ के आए, और इस बोनस नंबर मिलने के बाद भी इसमें मात्र 20 से 21 लोग पास हुए और बोनस नंबर भी किसी को 1 नंबर मिला तो किसी को 5, किसी को 6। इनका मामला है कि खराब परीक्षा परिणाम आए, जबकि परीक्षा परिणाम जो आए हैं वो निश्चित तौर पर बहुत सारे उनके हिसाब से बोल रहे हैं कि विद्यार्थी फेल तो नहीं कह सकते, एटी केटी आए हैं। उसमें हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें टोटल 262 बच्चे परीक्षा में बैठे थे। कोरबा में एक प्रेमी जोड़े ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि दोनों के जहर पीने की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया। लड़का और लड़की दोनों नाबालिग हैं और लड़की लड़के के घर में ही रहा करती है। जांच के दौरान ये पता चला है कि उसने सिगरेट पिया था और फांसी लगा लिया है, ऐसा उसके पति का कहना है। अब बाकी जांच के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। कारण ये है कि कमजोर दीवार। कैसे कमजोर दीवार? किसी मजाक को सीरियस ले।
कोरबा में तीन सहेलियों ने घर वालों की फटकार से दुखी होकर जहर खा लिया। तीनों में से दो बालिग हैं और एक नाबालिग। युवतियों में से दो की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घटना कोरबा जिले के करतला ब्लॉक के एक गांव की बताई जाती है। तीनों सहेलियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीन लड़कियां हैं जो एक गांव की हैं, तो परिजन लेने वाले अस्पताल में प्राप्त हुए जिला अस्पताल से। तीनों की हालत कैसे, कुछ बयान हो पाया? बात सामान्य है, अभी तो मर अभी व्यस्त थे। कौन कौन तीनों सहेली है? काशिद पे पीस बालोदा बाजार की समृद्धि कॉलोनी में चोरों ने सुने मकान पर धावा बोलकर नकदी और जेवरों पर हाथ साफ कर दिया है, तो वहीं दूसरे मकान में दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि मकान मालिक परिवार सहित जबलपुर से वापस आए तो ताला टूटा हुआ पाया गया। घर का सामान बिखरा हुआ था। अलमारी से 55,000 नकदी सहित सोने के कुछ जेवरात भी गायब थे और इसी कॉलोनी में चोरों ने डॉक्टर पैकरा के घर पर भी हाथ साफ करने की कोशिश की। पहले भी यहां चोरी की घटनाएं हो चुकी, लेकिन आज तक किसी का पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल से अपने पत्नी छोड़ने गया था घर, तो वापस आया तो आज सुबह देखा कि ताला टूटा हुआ। अंदर जाकर देखा तो नीचे का लगभग करीब 50-55,000 कोई अज्ञात चोर सामने दरवाजा चोर ताला तोड़कर चोरी कर ले गए हैं। ऊपर का जो सोलह चालीस है वो सुरक्षित है। अभी तो पूरा कैश देखो, भैया 50-55,000 का कैश वो तो नहीं मिल रहा है, और छोटा मोटा सोने का आइटम भी हो सकता है इसमें, तो वो अभी और चेक करना पड़ेगा। साहब लोग आए जो पुलिस वाले, तो उनके साथ में देखते हैं। तो जैसे ही टच किया दरवाजा खुल गया, मेरे को लगा कि मतलब ताला टूटा हुआ है, तो फिर एक और दरवाजा जो डबल दरवाजा है उसको लगा करके मैं कुछ देर तक मतलब देखा इधर उधर कहीं कोई है ऐसा करके, तो कुछ भी मतलब नहीं दिखा। और मुझे मतलब आभास हुआ, डर महसूस हुआ कि ताला टूटा हुआ है। ये सारा कुछ वारदात यहाँ पे शराब भट्टी होने की वजह से और चकना सेंटर जो यहाँ से वहाँ तक जो खुले हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पे अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और हम कॉलोनी वासी नगर वासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पामगढ़ की मोबाइल दुकान से हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने मोबाइल चोरों को माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट पर आरोपियों की तलाश की जा रही थी और इसी दौरान पता चला कि नवागढ़ के ग्राम किरित का रहने वाला एक युवक चोरी का मोबाइल उपयोग कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसे चोरी करना कबूल कर लिया। साथ ही चोरी में अपने अन्य साथियों की भी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए गए करीब 3 लाख रुपए के माल को बरामद किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एवं उनके एक अन्य औपचारिक साथी के साथ उन्हें घटना को अंजाम देना पाए, जो दोनों आरोपियों के कब्जे से मामले में चोरी गई मोबाइल एवं एक्सेसरी सामान जब्त किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की। राजनांदगांव में एक मोबाइल शॉप में चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के मोबाइल फोन चोरी कर लिया है। शहर के मुख्य बाजार में हुई चोरी की घटना से अन्य दुकानों की सुरक्षा पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। चोरों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को घुमा दिया था और इसके बाद चोर दुकान का शटर तोड़कर भीतर दाखिल हुए। चोरों ने दुकान में रखे लगभग 400 नए मोबाइल फोनों की चोरी कर ली। मोबाइल की दुकान है, इसमें इनका जो ओनर है किंतु जिन्होंने सूचना दिया था कि इनके मोबाइल दुकान में काफ़ी बड़ी चोरी हुई, तो अभी पूरे घटना स्थल पर शहर जितने भी थाना प्रभारी हैं अधिकारी अधिकारी आगे चेक कर रहे हैं। कुसमुंडा के आदर्श नगर विद्युत सब स्टेशन पर एक SECL कर्मी रात्रि के वक्त अपनी ड्यूटी पर था और जिस पर मध्य रात्रि के बाद चोरी की नियत से आए कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, वहां से वो फरार हो गए। घायल कर्मी को स्थानीय विभागीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए तत्काल अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया। हर लोग रात को मैंने बाउंड्री वाल फांद कर गेट से वो लोग अंदर प्रवेश किए और तत्पश्चात थाना वालों को छोड़े और मेरे विरोध करने पर ये लोग सीधा मेरे ऊपर हमला अटैक किए, चांगी को घाड़ी वगैरह से अटैक किए। मैं अपने आप को बचाते हुए
बाथरूम लेटरिन रूम में जाकर छिप गया। ग्राम सुपर तराई में एक नवविवाहिता की मौत का भी मामला सामने आया है। शादी के महज दो महीने बाद नवविवाहिता ने खुदकुशी के इरादे से पहले सिंदूर का सेवन किया, फिर फांसी लगा ली, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है, तो वहीं ससुरालियों ने आरोपों को खारिज कर झूठा करार दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खाई थी, फिर छुगने को बोला ना, नहीं तो माता राम को बुला रहा हूँ करके बोला, तो मत बुला मेरे को, लड़की का है करा रही हूँ। जामगांव स्थित एसएसपी प्लांट में काम करने वाले मजदूर की गिरकर मौत हो गई। बताया जाता है कि कोरबा निवासी विजय कुमार पटेल प्लांट में काम कर रहा था। और सुबह जब पूल से पानी गिरा तो वो पानी गिरने के कारण नीचे उतर रहा था। नीचे उतरते समय पूल जाने की वजह से वो जमीन में गिर गया, लगभग 20 फीट के नीचे गिरा है, जिसे इलाज के लिए पीजीएस अस्पताल लाया गया, तो यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत खैरागढ़ गांव में लाखों के जेवरात सहित नकदी वकन की चोरी हुई, और इस पूरे मामले में खैरागढ़ थाने की टीम सहित अन्य थाने को भी अलर्ट कर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए। दिल्ली में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है, और पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वापसी गश्त के दौरान जवानों ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोर ने सदर रोड स्थित गुजराती होटल के ताले को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। कोरबा के कई खदानों से चुराए गए कबाड़ को खपाने के लिए रायपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस की सक्रियता से आरोपियों का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने कोरबा के पंतोरा के पास लगभग 2 लाख रुपए का कबाड़ जब्त किया है। आरोपी विभिन्न खदानों में चोरी के माल को ट्रक और माजदा के माध्यम से लादकर रायपुर बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। दो दिन पहले ही कटघोरा के पास भी कबाड़ से लदा ट्रक पकड़ा गया था। कोरबा जिले में कबाड़ का व्यवसाय बंद होने के चलते इनका व्यवसाय पड़ोसी जिला जांजगीर चांपा से जुड़ा हुआ है। कबाड़ के काले कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये अभियान चलाया जा रहा है। मौके से हम लोगों को एक ट्रक मिला जो पूरा कबाड़ से भरा हुआ था, जिसके ड्राइवर का नाम जमलूराम महतो है, जो रायपुर का रहने वाला है, और ट्रक भी रायपुर का है, और साथ में एक छोटा हाथी भी है। और उस गाड़ी का ड्राइवर उस समय नहीं मिला हम लोगों को, रोक करके वो कहीं दूसरी तरफ चला गया था। जब पूछताछ किए तो पता चला कि इस पूरे जो कबाड़ का जो मेन जो मालिक था वो पूरा जाफर ही था, तो जाफर को भी हम लोगों ने अपनी हिरासत में ले लिया। धनंजयगढ़ में व्यपवर्तन योजना में करीब 52 किसानों की भूमि शासन ने अधिकृत की थी, लेकिन 8 साल बीतने के बाद भी उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। शासन से किसानों को मिलने वाली करोड़ों की राशि का अब तक कोई अता पता नहीं है। किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी। वहीं एसडीएम ने बताया है कि इस पूरे मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। 9, 10, 11 में मतलब की अधिग्रहण किया गया जल संघान द्वारा, लेकिन अभी तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा मिलेगा बोलते हैं, हम लोग कलेक्टर के पास जाते हैं, जनरल भी जाते हैं, एडीओ कर भी जाते हैं, और कहीं सभी के हम दौड़ मतलब जाके विज्ञान सभी को सौंप देंगे, लेकिन लोग बस आज देंगे कल देंगे परसों देंगे बोलते हैं, लेकिन कभी नहीं देते। गरीब आदमी तो हमारा पैसा भी शासन नहीं दे, और नहीं देने के बाद में आज 10-15 साल बीत गए, और बीते के बाद में आज भी शासन हमला नहीं देते, तो का मतलब हो शासन कर बात है, कब मिलबो तो कब हमला शासन दे ही हमला। अच्छा हम गरीब आदमी कहाँ ले हमन बाल बच्चा ला हमन पोसबो है, हमारे लड़का छोवा कहाँ ले हमन देबो, और कहाँ ले भीख मांग कौन थोड़े देबो यार साहब। बड़ा मुश्किल हो गया है, ऐसे करेंगे तो हमको तो मरना ही है, और क्या है सर, हम लोग को यहाँ नहर बना दिए, छिपा गया सब तरफ से, थोड़ा थोड़ा जमीन है हम लोग का, तो हमको जीना हराम हो गया है। जो जमीन रही वो जमीन में पूरा नहर हर खत्म कर दी, और आज तक मुआवजा नहीं मिला था। हम अल्लाह बाल बच्चा पाले के ला थोड़े परेशान होते हैं, बनी भूती भी करता, और एक एकड़ मोर तो जमीन रही ज़्यादा नहीं है, पट्टा भी देख सकता है।
अगर हमको शासन हमारी जमीन का मुआवजा देने में अनदेखी करेगा तो आगे हम कोई भी कदम उठाने को मजबूर होंगे और जिसका जिम्मेदार शासन हो। भू अर्जन के समय ही मिल जाता है सर, तो आखिर क्या वजह है कि इतना समय लग गया? भू अर्जन प्रकरण पूर्व में इसमें बनाया नहीं गया था या बनाने में विलम्ब हो गया, इस कारण से उन लोग को मुआवजा नहीं मिल पाया है। अभी भू अर्जन प्रकरण विचाराधीन है और जैसे ही प्रकरण का निराकरण होगा मुआवजा उन लोग। बिलासपुर के कानन से जारी मिली जू में पिछले महीने हिप्पोपोटामस की मौत की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ सकी। बताया जाता है कि दोषियों को बचाने के लिए रिपोर्ट में देरी की जा रही है। तो कुल मिला के अभी उसका तो कारण वैसे नहीं बताया गया कि उसका कार्डियोवैस्कुलर इंट्रैक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन उसका जांच के बाद हम पूरा आपको बता सकते हैं। अभी सही है, मतलब एक दो पेड़ जो घर में लगाना चाहते हैं उनके लिए भी हम एक नंबर का व्यवस्था करेंगे और उसको जरूर कल परसों में शुरू करा देते कि ताकि आपका वहाँ पर कहीं पर भी आप फोन करें तो उस नंबर से आप उपलब्ध कराएंगे। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही, खबरें लगातार जारी है तो बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस।